हेलो भाइयों, मैं कृष्णा सैनी स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। तो भाई आज मैं जो आपके लिए लेकर आया हूं ना, वो कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ है। ठीक है, आए हैं आपके लिए MG कॉमेट का रिव्यू लेकर जो मैं आया हूं आज। इसके ओनर से बात करने वाले हैं हम, कितने की गाड़ी पड़ी, कितने की ली, कितनी चलती है और क्या आज तक इसकी परफॉर्मेंस है, कैसी रही है गाड़ी की। भाई 3-4 महीने हो चुके हैं गाड़ी को निकले हुए, तो आज तक भाई कैसी चलती है, मतलब क्या क्या इसमें मतलब फ्यूचर वगैरह मिल जाते हैं, तो आप आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास वैसे मैं आपको बता दूं, खड़ा हुआ है ये सबसे नीचे वाला जो वेरिएंट आता है वो। तो चलते हैं, मिलते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए इसके ओनर से। तो भाई कैसे हो, सबसे पहले बताइए। भैया मैं बहुत बढ़िया हूँ, पहले तो आप सभी को राधे राधे। भाई नेम बता दीजिए पहले। भाई मेरा नाम है अंशुल उपाध्याय और ये मैंने गाड़ी ली है अभी 3 से 4 महीने हो चुके हैं इसको, मेरे को अंदाजा नहीं है कितने महीने हो गए, मेरे 3 से 4 हो गए। तो भाई आज तक गाड़ी में कोई दिक्कत आई चलने में? भाई साहब गाड़ी का ओपिनियन दूँ ना मैं, दिक्कत तो अभी तक कुछ नहीं आई, अच्छी गाड़ी चल रही है, चीज़ दी है ना, बहुत अच्छी चीज़ दी है। तो भाई कितने की पड़ी थी गाड़ी? भाई मेरे को पढ़ने का तो अंदाजा भाई ऐसा है कि पिताजी को ही पता है, उन्होंने ही करी थी ट्रांजेक्शन वगैरह, तो लगभग ये भाई 9 से 9.25 लाख तक की पड़ गई थी ऑन रोड। तो ये चल कितनी जाती है भैया? भाई ये एक बार चार्ज करने में ना 4 से 5 घंटे चार्ज करने वाली 200 किलोमीटर आराम से चल जाती है। तो भाई ये वाहन आ रहे हैं तो अंदर चल के बात करते हैं, क्या सिस्टम है, आप उधर से आइए तो अंदर चल के बात करते हैं। भाई हट जो है डस्ट भी उड़ रही थी और ये अंदर से केबिन की बात करें तो साइलेंट इसमें केबिन आपको देखने के लिए मिलता है। तो भाई अब इसके अंदर से बात कर लेते हैं, आज तक कोई दिक्कत, ये कलर वाइट ही क्यों लिया? भाई वाइट मेरे को सही लगा, ब्लैक इन पे था नहीं उस टाइम पर जब मैंने ली थी, जब ये आई थी। अच्छा अच्छा वाइट तो भाई था। तो हाँ, जल्दीबाजी में ले ली थी भाई, अच्छी लगी मेरे को। अच्छा तो ऊँचे वाले वेरियंट की तरफ क्यों नहीं गए? जो भाई ऊँचे वाले की तो भाई आपसे करना पड़ता है सब काम, क्या जितना मतलब हमारा बजट था उतने में हम, ये सही लगी मेरे को और ले ली फिर। हाँ तो मतलब 230 वो चलती है, 200 ये चलती है, हिसाब से 200 किलोमीटर आराम से चल जाती है 3 से 4 घंटे चार्ज होने के बाद। कितने बंदे बैठा लेते हैं उसमें पीछे? भाई आराम से इसमें 5 आ जाते हैं और वैसे 4 ही बैठते हैं, छोटा बच्चा कोई हो तो 5। तो आप मतलब खुश हो बिल्कुल पूरी गाड़ी से? हाँ, गाड़ी से बहुत खुश हूँ भाई, MG वालों ने जो चीज दी है बहुत अच्छी दी है, इसकी विंड क्वालिटी से मैं बहुत अच्छा हूँ और आपको भाई फीचर तो पता ही है, फीचर्स में भर भर के दिए हैं, फीचर से भी कोई कमी नहीं है भाई। अच्छा तो मतलब ऐसे अगर आप कोई लेना चाहे गाड़ी तो आपको क्या सलाह दोगे उसको? भाई गाड़ी लेना चाहे उनका बजट हो 9 से 10 लाख रुपए तक का तो भाई यही लें, MG कॉमेट, छोटी फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी है, इतना पेट्रोल डीजल की गाड़ी में भी नहीं मिलता आपको पिकअप वगैरह जो इसमें मिल जाता है देखने के लिए। और भाई अगर इसकी AC वगैरह की बात करें तो AC कैसा चलता है इसका? भाई AC आप देख ही सकते हो, मैंने ऑन करी दी है AC का, तो कोई मतलब सही बहुत अच्छी AC की मतलब क्वालिटी दी गई है और आप बैठे ही हो आपको लग ही रहा है AC। वैसे तो भाई अच्छी खासी चल रही है AC, और भाई गाड़ी चला के भी हम देख लेंगे अभी और कैसी चलती है कैसी नहीं, अपना भी एक्सपीरियंस इसमें ले लेंगे। भाई ऐसे मूवीज गैरिस्पन के आता है इसमें और इसके कुछ इस तरीके के फीचर्स वगैरह हैं और भाई ये देखने को मिल जाता है आपको। भाई इसकी ये भाई इसकी विंडो पावर विंडो इधर दी हुई है, उधर से हटा के भाई आप देख, हैंड ब्रेक इसमें आपको नॉर्मली मिलती है। हाँ भाई तो भाई आप बिल्कुल संतुष्ट हो मतलब गाड़ी से? हाँ भाई बहुत संतुष्ट हूँ मैं इस गाड़ी से भाई, मेरे को बहुत अच्छी चीज़ दे दी MG वालों ने, MG वालों की गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। और उनका अगर कंपनी वालों की बात करें तो उनका कैसा व्यवहार रहता है कस्टमर के प्रति? अपने जो हमारे मथुरा में जो MG का शोरूम है उसका भाई जो स्टाफ है बहुत अच्छा स्टाफ है, मैं पहली बार गया था इतनी अच्छे से बिहेवियर करा, और मैं अभी भी जाता हूँ कभी कभार गाड़ी जब सर्विस करवाता हूँ तो मैं आधे एक घंटे बैठता हूँ, तो बहुत अच्छा व्यवहार है उनका MG वालों का। तो भैया जैसे सर्विस कराने जाते हो तो उसका क्या खर्चा आ जाता है एक मेंटेनेंस का गाड़ी का जैसे? भाई इसका मेंटेनेंस तो कुछ नहीं है, बस एक बार सर्विस पे जाती है 10,000 किलोमीटर चलने के बाद तो 500 से 600 रुपये लगते हैं सिर्फ मात्र। अच्छा 500 से 600 में? हाँ भाई गाड़ी हो जाती है सर्विस। अच्छा अच्छा तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो भाई इसमें, जैसा कि आप देख सकते हो यही थी अपनी गाड़ी और यही था इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, मैंने आपको पूरा दे दिया है। भाई इसमें हम गांव में भी ले गए थे, इसके रिएक्शन जो है ना इतने अच्छे मिल रहे हैं
ये भाई अगर आप 8 लाख रुपए अगर इस गाड़ी के ऊपर खर्च रहे हो तो भाई मैं पक्की बता रहा हूँ आप कभी पछताओगे नहीं गाड़ी खरीदने के बाद, क्योंकि 200 किलोमीटर भाई ये गाड़ी चलती है, 5 जने बैठा के चलाओ, 6 जने बैठा के चलाओ, एसी में चलाओ, 200 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है टोटली जो है, और ना कोई बम्पिंग गिला। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें देखो काफ़ी अच्छा है इसमें, ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है, मैंने ये नीचे उतार रखी है। तो भाई गाड़ी में मतलब मेरे को तो लगता नहीं है अगर कोई अगर इस पर 8 लाख खर्च रहा है तो बेकार खर्च रहा है भाई, अच्छा है। अगर गाड़ी अगर आप लेने की सोच रहे हो तो आप आंख बंद करके भाई ले सकते हो गाड़ी को, पर इसका बेस वेरिएंट है हमारे पास जो है काफ़ी अच्छा चलता है। अगर बेस वेरिएंट की भाई अगर की बात करें ना तो कुछ इस तरीके की इसकी की मिलती है, इसमें फ़िलिप की आती है, देखो लॉक अनलॉक और ये डिग्गी बूट स्पेस वाला आपको मिल जाता है, इधर से ऐसे खुल जाती है, ठीक है। तो भाई यही था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।